हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपको। मदर फादर सन लाइन अप एट रैंडम और फैमिली पिक्चर में खड़े हैं। अब फैमिली पिक्चर में खड़े हैं तो सर कैसे भी खड़े हो सकते हैं, तो जो आपके नंबरिंग होगी वो तीन नंबरिंग जमाना है आप पर, तो टोटल आउटकम होंगे या जो आप उसका सैंपल कहते हो वो या तो फर्स्ट लाइन में मदर भाई लेट कर लो आप, मदर डिनोट एम, फादर के लिए एफ और सन के लिए एस से डिनोट कर रहे हैं अपन। ठीक है सर, मान लेते हैं सब फिलहाल के लिए अपन मान लेते हैं। अब देखो टोटल आउटकम जो है उसमें पहले मदर खड़ी हो गई, फिर फादर खड़ा हो गया और फिर सन खड़ा हो गया। मान लेते हैं अपन इसको रोटेट कर दिया मैंने, फादर को पहले कर दिया, मदर को बाद में कर दिया, सन को उनके बाद में कर दिया। ठीक है सर, देखो मैंने फर्स्ट दो केस है ना वो बदल दिए, सन को लास्ट में रखा। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, सन को फर्स्ट रखो आप, ठीक है, और फादर को और मदर को आगे पीछे कर दो। ठीक है सर, अगले केस में सन को यही रखो, मदर को बीच में कर दो, फादर को साइड में कर दो। ठीक है सर, ये भी कर सकते हैं। अगले केस में अपन क्या करते हैं, मदर को यहाँ कर देते हैं, सन को बीच में कर देते हैं, फादर को पीछे कर देते हैं। एक केस में अपन फादर को आगे कर देते हैं, सन को बीच में कर देते हैं, मदर को बीच में कर देते हैं। ऐसे करके 6 केस बन गए। आप कहोगे सर आपको कैसे पता, देखो एकदम दिमाग लगाना, मैं क्या एक ही वैल्यू का अपना सेंटर पॉइंट मान के चला करो। जैसे आप सन की तरफ देख रहे हो तो सन को ही देखो, सन को पहले आपने दो केस में पीछे रख दिया और मदर फादर को एक्सप्लेन कर दिया। फिर मैंने बोला सन को आप फर्स्ट केस में रख दो, मदर फादर को एक्सप्लेन को आगे पीछे कर दो। फिर मैंने बोला सन को आप बीच में रख दो, मदर फादर आगे पीछे। ऐसे करके आप केसेस बना सकते हो, बस एक नंबर को देखना आना होता है। आप अगर कायदे देखो तो हर नंबर इसमें एक प्लेस पे दो बार आ रहा है। मदर देखो फर्स्ट में दो बार आ रही है, फादर देखो दो बार आ रहा है, सन देखो फर्स्ट में दो बार आ रहा है। ऐसे बीच में भी देखोगे तो ऐसे करके आपको पता लग जाएंगे। ठीक है चलो, अब अपन इवेंट्स निकालते हैं। सन एट वन एंड, सन किसी एक एंड पर हो, तो ऐसे दो ही केस होंगे चाहे कुछ भी कर लो। एक तो ये केस दिख रहा है मुझे, एक ये केस दिख रहा है, या फिर एक ये केस होगा, ये केस मतलब या तो लेफ्ट में या राइट में। ऐसे करके आपको सोचना है इस वैल्यू को। ठीक है, तो सन वाला केस है जो सन किसी एक एंड पर होना चाहिए। बताओ समझ में आ गया क्या? तो सन का कहने का मतलब क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सन किसी एक एंड पर होगा, एक एंड पे या तो लेफ्ट वाले पे हो सकता है एक्सट्रीम या फिर राइट हो सकता है एक्सट्रीम। तो मैं कह सकता हूँ मदर फादर सन पैक, फिर फादर मदर सन पैक, फिर सन फादर मदर पैक, फिर सन मदर फादर पैक। ठीक है, एफ वाले केस में देखो फादर इन मिडिल, पिताजी मिडिल में है, तो पिताजी मिडिल में सर एक तो इस केस में और एक इस केस में, दो ही केस में मिडिल वाली कंडीशन में बन सकते हैं। मदर फादर सन और एक सन किसको बोला था, फादर को बोला था बीच में, फादर ये रहा फादर ये रहा, सन फादर मदर। अब इन दोनों में से अगर मैं कॉमन निकालने को बोलूँ तो आप क्या कहोगे, सर केवल एक ही चीज कॉमन है इसमें, सन एंड में आ रहा है, ये वाला पार्ट दोनों निकल के आ जाएंगे कि हाँ सर आ जाएंगे। देखो मदर फादर सन, मदर फादर सन, सन फादर मदर, सन फादर मदर, मतलब दोनों के ऐसे निकल के आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालो तो 2/6, 2 1s are 2 3s are। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर हम निकालें तो 2/6, यहाँ पे कितना निकलेगा 1/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ अगर निकालना है आपको तो कुछ नहीं करना, सिंपल है, ई इंटरसेक्शन एफ अकाउंट में पी एफ लगा दो, इंटरसेक्शन में आ जाएगा 1/3 और ये भी आ जाएगा 1/3, दोनों कैंसिल आउट होकर कितना आएगा 1 is your answer। बताओ समझ में आया गया, ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9।